यहाँ पर हम डेरे असबाब को यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा कि आप तमाम तलबा पिछले वीडियो के जरिए देखते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर हम तीन असबाब को वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम वहाँ पर सॉल्व कर रहे थे मॉडल क्वेश्चंस पेपर की बुनियाद पर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार और मुफीद साबित हो सके। तो इसी जमन में यहाँ पर हम असबाब डायरे को देखते हैं, ताकि उन्हीं सवाल को हम यहाँ पर गौर व फिक्र करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत मुफीद इंशाल्लाह साबित होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डायरे के असबाब के सवाल को देखने से पहले सबसे पहले उस चीज को हम समझेंगे कि डायरा क्या है, डेरे का मरकज किसे कहते हैं, और वस्ती नुकात हम किसे कहते हैं, और ममास क्या होता है, और तमासी नुक्ता क्या होता है, और उमूद क्या होता है, और कतय खत क्या होता है, और गैर कतय खत क्या होता है, और मरकजी नुक्ते से मुश्तरक नुक्ता हम किसे कहते हैं, और उमूदी खत और ममासी नुकात के तमासी नुक्ते किस तरह होते हैं। ये तमाम चीज़ों को हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। जब तक इसका खुलासा हम नहीं जानेंगे, तब तक हम सवालात को समझने में मुश्किल होगी। यहाँ पर हमें ये चीज को समझना है, एक डेरे के अंदर कितने ममास हो सकते हैं, एक डेरे के अंदर कितने मुतवाजी ममास खींचे जा सकते हैं, और यहाँ पर एक ममास से तमासी नुकात से क्या ताल्लुक होता है, और मुतइन नुक्ते से मुइन नुक्ते तक फासले को हम क्या कहते हैं। ये तमाम बुनियादी चीज़ों को हम सीखने की ज़रूरत है। आई होप आप 8th और 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये तमाम चीज़ें भी मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं, क्योंकि ये एक बेसिक सी चीज़ें होते हैं जो हमको 8th और 9th क्लास के अंदर वहाँ पर आपको बताया जाता है कि 8th 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी तमाम चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो एक नज़र हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेरा किसे कहते हैं, ये चीज को हम आपको बखूब मालूम भी होगा, मुस्तई वाक्य से, मुतईन नुक्ते से, मुइन फासले से, मुतईन नुक्ते से मुइन फासले पर वाक्य नुकात का सेट डेरा कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक मरकजी नुक्ता है मुस्तवी नुकात से मुतईन नुक्ता, यानी और मुइन नुक्ते से फासले के कितना ही फासला आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर 4 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी आप फासला लेंगे, इस फासले के नुकात के सेट, जिस तरह यहाँ पर नुकात का हम सेट रखते हैं, उस नुकात के सेट को हम क्या कहते हैं, डायरा कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डायरे के असबाब की बुनियाद पर सबसे पहले यहाँ पर हम तमाम चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका एक डायरा है, यहाँ पर आपका सबसे पहले एक डेरा है, यहाँ पर जो नुक्ता होगा इसे हम क्या कहते हैं, मरकजी नुक्ता कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मरकजी नुक्ता कहते हैं। अब फर्ज कीजिए एक एक चीजें को हम यहाँ पर देखते जाएंगे। आपके पास यहाँ पर एक डेरा है, अब यहाँ पर मैं एक खत खींचता हूँ, यहाँ पर हम इसे एक खत खींचते हैं। अब फर्ज कीजिए यहाँ पर एक नुकात है, यहाँ पर एक नुकात है, यानी कि नुकात दो हैं ए और बी, क्या कहते हैं, जो नुकात जो ए बी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसे डेरे का वितर कहा जाता है, जिसमें हम इस तरह कह सकते हैं, डेरे में मौजूद ऐसा नुकता जिसके इक्तिदामी नुकात डेरे पर मौजूद हो, यानी कि जो डेरा दिख रहा है जिसके इक्तिदामी नुकात डेरे पर होने चाहिए, यानी कि जिसके नुकात यहाँ पर डेरे के इक्तिदामी नुकात पर होना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, डेरे का वितर कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे ये चीज हो गई, अब यहाँ पर एक यहाँ पर मरकज है, इसे हम नाम ओ देते हैं। अब यहां से हम कोई एक खत यहाँ पर हम लेते हैं, अब मरकजी नुक्ता ए है, अब फर्ज कीजिए यहाँ पर भी हम नाम देते हैं सी। अब इसे हम क्या कहते हैं, इस खत को डेरे का कतर कहते हैं, डेरे का कतर कहते हैं, इस नुकात को हम क्या कहेंगे, डेरे का कतर कहेंगे। अब इसका असल डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा खत जो डेरे के मरकज से गुजरता हो, डेरे के मरकज से गुजरता हो तो डेरे का कतर कहलाता है। अब यहां पर ये वितर भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये वितर डेरे के मरकज से गुजर रहा है, यहाँ पर डेरे के मरकज से अगर गुजर रहा है तो इस खत को हम क्या कहेंगे, डेरे का कतर कहेंगे।
और डेरे का सबसे बड़ा वितर क्या होता है? डेरे का कतर होता है। अब यहां पर आप इस तरह का कतर यहां पर बनाइए तो इसे भी हम क्या कहेंगे? डेरे का वितर कहते हैं। यहां भी हम कोई खत खींचेंगे, इसे भी हम डेरे का वितर कहते हैं। लेकिन ये वितर में फासला है। ये वितर में क्या है? फासला है, क्योंकि ये वितर छोटा है और ये वितर क्या है हमारे पास? ये वितर क्या है हमारे पास? बड़ा है। और डेरे का वितर क्या होता है हमारे पास? डेरे का वितर सबसे बड़ा डेरे का कतर होता है। अगर हम डेरे इसे सीढ़ी को क्या कहेंगे? मैं डेरे का कतर कहते हैं। अब डेरे का कतर किसे कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसा खत जो डेरे के मरकज से गुजरता हो, ऐसा खत जो डेरे के मरकज से गुजरता हो तो डेरे का कतर कहलाता है। अगर मरकज से नहीं गुजर रहा तो डेरे का वितर कहलाता है। अब यहां पर एक और चीज भी हमको यहां पर कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर कोई वितर कहां यहां से शुरू होकर हमको मरकज के नुकात को टच करता है, मरकजी नुकात को टच करता है, तो ये डेरे का वितर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये डेरे का निस्फ कतर कहलाएगा। अगर डेरे के इक्तदामी नुक्ते से शुरू होते हुए डेरे के मरकजी नुक्ते को अगर टच करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? निस्फ कतर कहेंगे, और ये डेरे का वितर नहीं रहेगा। ये चीज को हमको समझने की जरूरत है। अब यहां पर इसे हम क्या कहेंगे? डेरे का वितर कहेंगे। अब इसे हम किस तरह कह सकते हैं? डेरे के इक्तदामी मौजूद नुकात पर मिलने वाला खत डेरे का वितर कहलाता है। अब यहां पर सीढ़ी को अगर आप खत को लीजिए, डेरे के इक्तदामी नुक्ते से शुरू होते हुए खत डेरे के मरकज के ऊपर से अगर गुजरता है तो डेरे का कतर कहलाता है। डेरे का कतर कहलाता है। अगर कोई खत डेरे के इक्तदामी नुकात के सेट में से, यानी कि डेरे के इक्तदामी नुकात से होते हुए डेरे के मरकजी नुक्ते को अगर छूता है तो डेरे का निस्फ कतर कहलाता है। ये चीज हमको यहाँ पर तीनों चीजें हमको मालूम होगी। एक क्या होगा? डेरे का वितर इसे कहते हैं, और डेरे का कतर क्या होता है, और डेरे का निस्फ कतर इसको हम कहते हैं। अब यहां पर डेरे का सबसे बड़ा वितर क्या होता है? डेरे का कतर होता है। अब यहां पर सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, इसे हम मुकम्मल तौर पर यहां पर समझ चुके हैं। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले एक यहां पर डेरा है, यहां पर हमारे पास एक डेरा है। अब यहां पर हम एक एक खत खींचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वितर कहते हैं। अब यहां पर हम इसे नाम देंगे ए और बी। अब यहां पर मरकजी नुकात से अगर यहां पर अगर खत खींचते हैं और यहां पर ए बी एक वितर है, ए बी के यहां पर एक नाम देंगे ओ और यहां पर पी देंगे। अब यहां पर एक डेरा है जिसका वितर क्या है? ए बी है, और इसका वस्ती नुकात, इसे क्या कहेंगे हम? वस्ती नुकता कहेंगे। वस्ती नुकात से होते हुए मरकजी नुकात को अगर खत कोई छूता है तो उमूदी खत यहां पर होता है। ये यहां पर भी हमको समझना है, इसे हम क्या कहते हैं? उमूदी खत कहते हैं। अब यहां पर इसे क्या है? हमें इसे मुकम्मल तौर पर क्या कहें? डेरे के मरकज से वितर क्या होता है हमारा? उमूद पर होता है। वितर क्या होता है? उमूद पर होता है। इसे हम क्या कहें? ओपी वितर ए बी हम कहेंगे। अब इसका फरहामी सबूत भी इस तरह हम देंगे, एपी इज इक्वल टू बीपी। अब ये पी क्या है? वस्ती नुक्ता है। ये पी क्या है? वस्ती नुक्ता है। यहां पर एक मसला है, इसे आप मुकम्मल तौर पर यहां पर साबित करना पड़ता है, चूंकि आपको इस बार मसला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है इस मसले को। अब यहां पर इसे सिर्फ हमको उमूदी खत यहां पर पहचानना है। उमूदी खत यहां पर ओपी है, जो डेरे के वितर से वस्ती नुक्ते से खींचे जाना खत उमूद होता है। अब यहां पर उमूद को एग्जिट क्या कहते हैं? वितर के वस्ती नुक्ते से डेरे के मरकज को मिलाने वाला उमूद होता है। डेरे के वितर यहां पर डेरे का वितर है, वस्ती नुक्ता डेरे के मरकज को मिलाने वाला कतह, या फिर मिलाने वाला यहां पर कतह क्या होता है?
डेरे का उमूद होता है। समझ गए, एक बार और सुन लीजिए। यहाँ पर हमारे पास डेरा है, डेरे का वितर इसका वस्ती नुक्ता पी और मरकजी नुक्ता ओ को मिलाने वाला कतह डेरे का उमूद होता है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम यहां पर थर्ड स्टेप को देखेंगे। अब यहां पर सबसे पहले आप देखिए, ममास किसे कहते हैं, आप ममास को भी यहां पर मालूम करना है। अब यहां पर देखिए, एक यहां पर हमारे पास है, एक डेरा है, यहां पर है, एक डेरा है। अब यहां पर ममास किसे कहते हैं, जो डेरे के एक और सिर्फ एक नुक्ते से गुजरने वाला कतह डेरे का ममास होता है। एक और बार यहां पर सुन लीजिए, डेरे के जो डेरा यहां पर हम यहां पर निकाले हैं, जो डेरे के एक और सिर्फ, यहां पर कंडीशन लगाई गई, एक और सिर्फ एक सिर्फ नुक्ते से गुजरने वाला कतह डेरे का ममास कहलाता है। अब यहां पर किस तरह होता है, अब यहां पर इसे यहां पर भी रख सकते हैं। आपका ममास किस तरह आना चाहिए, ना ही आपका अंदर आना चाहिए, यहां पर आप बाहर मुकम्मल तौर पर जाना है, यहां से आपके इक्तदामी नुक्ते से गुजरते हुए खत यहां पर आपका जाना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, डेरे का ममास कहते हैं। यानी कि सिर्फ एक नुक्ता, यानी कि सिर्फ एक ही नुक्ते से गुजरने वाला डेरे का ममास होता है। अब यहां पर ममास किसे कहते हैं, तो आप इसे किस तरह जवाब देंगे, जो डेरे के एक और सिर्फ एक नुक्ते से गुजरने वाला कतह डेरे का ममास होता है। या फिर इसे इस तरह भी कह सकते हैं, एक खत जिसमें डेरे में सिर्फ एक नुक्ता मुश्तरीक हो, यहां पर सिर्फ एक नुक्ता मुश्तरीक होना चाहिए, डेरे का एक खत जिसमें मुश्तरीक नुक्ता एक होता है, तो डेरे का ममास कहलाता है। अब समझ चुके होंगे कि डेरे का ममास किसे कहते हैं। अब यहां पर डेरे के अंदर आप लामहदूद ममास खींच सकते हैं, लेकिन एक ही नुक्ते पर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर लामहदूद ममास भी खींच सकते हैं, जैसा कि आपको किताब के अंदर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप लामहदूद ममास डेरे के अंदर आप खींचे जा सकते हैं। और दूसरी चीज, आप एक डेरे के अंदर सिर्फ दो ही मसावी मुतवाजी ममास आप खींच सकते हैं, दो से ज्यादा आप मुतवाजी ममास डेरे के अंदर खींच नहीं सकते। जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक नुक्ता होगा और यहां पर नुक्ता होगा, यहां पर एक बैरूनी नुक्ता हम यहां पर देंगे जो यहां पर डेरे का ममास होगा। यहाँ पर जो दो मसावी ममास ही खींचे जा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ दो ममास आप डेरे के अंदर खींच सकते हैं, यानी कि डेरे के अंदर आप सिर्फ दो मुतवाजी ममास खींच सकते हैं, दो से ज्यादा आप डेरे के अंदर मुतवाजी ममास नहीं खींच सकते। फर्ज कीजिए, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा। अगर यहां से भी अगर 2 सेंटीमीटर अगर खींचने जाएंगे तो आप बिल्कुल ये कतह पर आप टच कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो नुक्ता होगा, इसे हम क्या कहते हैं, तमासी नुक्ता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तमासी नुक्ता कहते हैं। इस चीज को आप यहां समझ लें। अब डेरे का ममास किसे कहते हैं, जो डेरे के एक नुक्ता, यानी कि सिर्फ एक ही नुक्ते से गुजरने वाला कतह क्या होता है, ममास कहलाता है। अब यहां पर जो एक ही नुक्ता है, इसे हम सिर्फ एक मुश्तरिक नुक्ता यहां पर होना चाहिए, इस नुक्ते को हम क्या कहते हैं, तमासी नुक्ता कहते हैं। इस नुक्ते को हम क्या कहते हैं, तमासी नुक्ता कहते हैं। अब यहां पर मरकज है, अब यहां से मरकज से अगर कोई यहां पर हमें निस्फ कदर खींचते हैं, यहां पर निफ्स कदर खींचते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तमासी नुक्ते से खींचे गए निफ्स कदर ममास पर उमूद होते हैं। यहां पर जिस तरह वहां पर देख रहे थे, वहां पर उमूद होता है, जैसा कि वो वितर पर उमूद था, यहां पर हम देख रहे थे, अगर यहाँ पर हमारे पास एक डेरा है, यहाँ पर हम एक वितर बनाए ए और बी, या मरकजी नुक्ते से वस्ती नुक्ते को अगर हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर
एबी एक क्या है, डेरे का वितर है, और मरकज यहाँ पर वस्ती नुक्ता पी से गुजरते हुए मरकजी नुक्ता ओ अगर छूता है तो यहाँ पर उमूदी खत होता है, जो जिसका उमूदी खत है ए बी वितर है। उसी तरह यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह सुन लीजिए। यहाँ पर एक डेरा है जो डेरे के एक ही नुक्ते से अगर कोई खत हमारा गुजर रहा है तो ममास होगा। इस नुक्ते को हम क्या कहेंगे, तमासी नुक्ता कहेंगे। अगर यही नुक्ता हमारे पास यहाँ से तमासी नुक्ते से खींचा गया, तमासी नुक्ते से खींचे हुए निफ्स निफ्स खत ममास पर उमूद होते हैं, और ये हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। अगर फर्ज कीजिए आपके पास यहाँ पर शक्ल के अंदर कुछ इस तरह यहाँ पर अगर दिया जाता है, यहाँ पर फर्ज कीजिए अगर कुछ इस तरह यहाँ पर दिया जाता है तो यहाँ पर हम सिर्फ 90 डिग्री ले सकते हैं। अगर हमारे पास दो मुतवाजी ममास होंगे तो वहां पर एंगल आपका 180 होगा, यहाँ से 90 और यहाँ से 90, 180 होगा। ये बेसिक्स चीजें हैं, आपको समझना जरूरी है, जो आपके सालाना इम्तिहान के अंदर एक या दो सवाल इस तरह के पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मुकम्मल तौर पर डेरे का कंक्लूडिंग देखेंगे हम। यहाँ पर ममास किसे कहते हैं, और तमासी नुक्ता किसे कहते हैं, और निस्फ कदर किसे कहते हैं, और वितर किसे कहते हैं। आइए यहाँ पर इसे डेरे का कंक्लूडिंग सेक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। अब आइए यहाँ पर एक आपका यहाँ पर डेरा है, इसे हम क्या कहेंगे, मरकजी नुक्ता ओ कहेंगे। ओ क्या है, डेरे का मरकज है। ओ क्या है, डेरे का मरकज है। अब यहां से हम एक वितर खींचते हैं, इसे यहां पर नाम ए बी यहां पर हम देंगे। डेरे का ए बी क्या है, डेरे का वितर है, जो डेरे के इक्तदामी मौजूद है, जो डेरे के इक्तदामी नुक्ते पर मौजूद है, ये क्या कहेंगे, और डेरे का वितर हम यहां पर कहेंगे। अगर कोई खत डेरे के मरकज से निकलते हुए डेरे के इक्तदामी नुक्ते को अगर यहाँ पर छूता है तो डेरे का निस्फ कतर होगा, डेरे का निस्फ कतर होगा। अब फिर यहां से हम डेरे के इक्तदामी नुकात के सेट से एक कतर लेते हैं जो डेरे के मरकज से गुजर रहा है, डेरे के मरकज से गुजर रहा है, तो यहां पर हम इसे नाम देंगे पी क्यू। अब ओपी क्या है, डेरे का निस्फ कतर है। क्यू आर क्या है, क्यू आर क्या है, डेरे का कतर है, डेरे का कतर क्या है। यहां पर कॉस के सट से अगर यहां पर दो नुकात को अगर हम जोड़ लेते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, डेरे का कॉस नुमा कहेंगे, डेरे का कॉस नुमा इसे हम कहेंगे। अब यहां पर इसे कोई भी नाम हम दे सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर डेरे का मरकज क्या है, आपके पास ओ है, डेरे का मरकज क्या है, ओ है। और फिर उसके बाद में यहां पर आप देखिए क्यू आर डेरे का निस्फ कतर है, डेरे का कतर है, डेरे का कतर है। फिर उसके बाद ओपी क्या है आपके पास, डेरे का निस्फ कतर होगा, डेरे का निस्फ कतर होगा। और ई बी क्या है आपका, डेरे का वितर होता है। और यहां पर फिर जी एफ क्या है आपका, डेरे का कॉस है, डेरे का कॉस है। और फिर उसके बाद में यही नुकात से अगर हम यहां पर दूसरा यहां पर अगर डेरे देखेंगे, अब यहां पर इस डेरे को देखिए, यहां पर सिर्फ एक मुश्तरिक नुक्ता, एक मुश्तरिक नुक्ते से अगर कोई खत यहां पर गुजर रहा है तो यहां पर फर्ज कीजिए ए और बी है। ए बी क्या है, डेरे का ममास है, डेरे का ममास है।
इस नुक्ते को हम क्या कहेंगे, तमाशी नुक्ता कहेंगे। यहां पर क्या कहेंगे इसे, तमाशी नुक्ता कहेंगे। ये चंद चीजें हैं, इसे हमें मुकम्मल तौर पर समझना चाहिए, जो कि हमको मुकम्मल तौर पर मालूम होना चाहिए कि डायरे का ममास क्या होता है, डायरे का तमाशी नुक्ता क्या होता है, और डायरे का उमूद वितर पर किस तरह रखा जाता है, वही उमूद को डायरे के ममास से तमाशी नुक्ते पर किस तरह रखा जाता है। और ये क्या होगा हमारे पास, ओ डायरे का मरकज है, ओ पी डायरे का निसफ कतर है, क्यू आर डायरे का कतर है, ए बी क्या है डायरे का वितर है, और जी एफ क्या है डायरे का कॉस है। ये चीज को हमको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह आपको समझ में आनी चाहिए। इससे रिलेटिव आपको एग्जाम के अंदर एक या दो सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ, यहाँ पर आप शक्ल्स के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने तीन डेरे दिए गए हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर शक्ल नंबर एक को देखिए, यहाँ पर पी क्यू एक कतह है। पी क्यू यहाँ पर क्या है आपके पास, एक कतह यहाँ पर दिया गया है, जिसमें डेरे में कोई नुक्ता मुश्तरीक नहीं है, यानी कि जो कतह आप यहाँ पर देख रहे हैं डेरे से बिल्कुल टच नहीं है, यानी कि डेरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे हम इसे क्या कहेंगे, गैर कतह खत कहलाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप दूसरी शक्ल को यहाँ पर देखिए, जिस तरह यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर बताया गया है, एक डेरा यहाँ पर आपका मौजूद है, जो ए बी क्या है आपका डेरे का वितर है, और पी क्यू आपका डेरे का वितर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर दो मुश्तरक नुक्ते हैं, दो मुश्तरक नुक्ते हैं ए और बी। इस हालत में हम इस खत को डायरे का कतय कहते हैं, डायरे का कतय कहते हैं। और तीसरी शक्ल के अंदर आप वहां पर देखिए, वहां पर जो डायरा दिया गया है, वहां पर एक ही नुक्ते से, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, डायरे के एक ही नुक्ते से वहां पर गुजर रहा है, जो एक ही मुश्तरिक नुक्ता है, जहां पर नुक्ता ए क्या है, एक तमासी नुक्ता है, और पी क्यू क्या है, डेरे का ममास है। ये चीज को भी यहाँ पर आप देखेंगे, जिसके अंदर तीन शक्ल यहाँ पर दिए गए, एक खत तो डेरे से उसका ताल्लुक नहीं है, जिसे डेरे का गैर कतह खत कहलाता है, और दूसरा क्या है, वहां पर दो मुश्तरिक नुकात दिए गए हैं, दो मुश्तरिक नुकात दिए गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरे का कतय खत हम वहां पर कहते हैं, और दो मुश्तरिक नुक्ते ए और बी हैं, और वहां पर सिर्फ एक नुक्ते से अगर गुजर रहा है, जिसे हम तमासी नुक्ता कहते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डायरे का ममास। देख रहे थे डायरे के अंदर यहाँ पर उसके बुनियादी चीजों को हम देख रहे थे, ममास क्या होता है, कतय खत किसे कहते हैं, और तमासी नुक्ता किसे कहते हैं, और निसफ कतर किसे कहते हैं, और वितर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तमाम बुनियादी चीजों को हम यहाँ पर समझ चुके हैं, और डायरे के अंदर कितने मुतवाजी ममास किए जा सकते हैं, और डायरे के अंदर कितने ममास होते हैं। आइए यहाँ पर सबसे पहले सवाल नंबर एक को देखते हैं। डायरे का ममास डायरे का डैश डैश नुक्ते पर कतय करता है। ऑप्शन ए एक, और ऑप्शन बी पांच, और ऑप्शन सी दो, और ऑप्शन डी चार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए एक होगा। डायरे का ममास डायरे को एक नुक्ते पर कतय करता है, जैसा कि हम एक्सप्लेन के अंदर देख रहे थे। अब यहां चलिए फिर हम सवाल नंबर दो को हम यहां पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर सवाल को आप देखिए, जैसा कि आप मुकम्मल तौर पर आई होप आप जवाब को भी जान चुके होंगे, एक डायरे में कितने ममास होते हैं। ऑप्शन ए दो ममास, ऑप्शन बी चार ममास, ऑप्शन सी एक ममास, ऑप्शन डी लामहदूद ममास। इसका सही जवाब ऑप्शन डी लामहदूद ममास है। जैसा कि हम देख रहे थे, एक डायरे के अंदर लामहदूद ममास खींच सकते हैं, लामहदूद ममास खींच सकते हैं। और यहां पर फिर आगे हम चलते हैं, सवाल नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। एक डायरे में ज्यादा से ज्यादा, एक डायरे में ज्यादा से ज्यादा डैश डैश मुतवाजी ममास होते हैं, मुतवाजी ममास होते हैं। ऑप्शन ए दो ममास, ऑप्शन बी चार ममास, ऑप्शन सी एक ममास, ऑप्शन डी पांच ममास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दो ममास। एक डायरे के हम अंदर हम सिर्फ दो मुतवाजी ममास खींच सकते हैं, जैसा मैंने शुरू के एक्सप्लेन में मैंने आपको
कहा एक डेरे के अंदर सिर्फ दो मुतवाजी ममास खींच सकते हैं, दो से ज्यादा मुतवाजी ममास हम यहाँ पर नहीं खींच सकते। अगर यहाँ पर अगर कोई हम मुतवाजी ममास खींचते हैं, समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि वहां पर सवालात को किस तरह हल किया जाता है। अगर एक डायरे के अंदर अगर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होगा तो वहां पर आंसर को हम किस तरह जाहिर करते हैं। आई होप आप तमाम तबाह को मुकम्मल तौर पर समझ में आएगा। जो भी तबाह का अगर कोई डाउट है तो अपने सवालात को अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, उन तमाम तबाह को मुतमईन जवाब दिया जाएगा। और जो भी तलबा अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे। जजाकल्लाह।